कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में सेसुरेशन हेल्थ एवं पर्सनल हाइजीन पर कार्यशाला का आयोजन। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुनिहार में ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के सौजन्य से सेसुरेशन हेल्थ एवं पर्सनल हाइजीन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष कल्पना द्वारा विद्यालय की छात्राओं को इस कार्यशाला में पीरियड ऑफ प्राइड विषय पर विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं से इस विषय पर चर्चा की गई, वह किस तरह की सावधानियां इस दौरान लेनी चाहिए व पर्सनल हाइजीन के दौरान किस तरह की डाइट ले के बारे में गहनता से बताया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा ने पेंसिल फाउंडेशन की प्रदेशाध्यक्ष कल्पना का छात्राओं को इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने छात्राओं को पीरियड के दौरान संस्था के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सावधानी का प्रयोग करे व अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखे। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। कुछ के पेरेंट्स उनको बता देते है ना, मदर्स बता देती है या कोई रिलेटिव होते हैं वो बता देते हैं कि ऐसे होगा, आपको ये चीज यूज करनी है। पर जब एक्चुअल में हमें होते हैं ना, तब हमें बहुत पेन होती है, तब हम बोल भी नहीं पाते हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की बड़ी आदत होती है कि चलो ठीक है, लेकिन डर ध्यान से कर देते हैं, इससे चीज़ें ठीक हो जाएगी, ये रूटीन चलता रहेगा। बट अब फॉरेन कंट्रीज में क्या किया जा रहा है, क्या नया जो अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर इसके लिए स्पेशली आपको छुट्टी दी जाती है, ऑफिस में छुट्टी दी जाती है, स्कूल में छुट्टी दी जाती है, ताकि आप जब भी आपके मैसेज आएंगे या पीरियड्स आएंगे उस टाइम आप दो की ऑफ ले सकते करना जिनको पता है होते क्या। अच्छा, कितने दिन का साइकिल होता है? साइकिल विच साइकिल साइकिल कितने दिन का होता है? 22 to 32 days। और ये हर पर्सन का अपना डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हर एक पर्सन की बॉडी में संभव जो भी चेंजेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड भी एक पर्सन की बॉडी अलग करती है, ठीक है। उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो भी अलग होते हैं। अब जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, ठीक है, दोनों साथ में रहती है, हर टाइम दोनों को पीरियड्स आते हैं, सो दे डिस्कस करते हैं वो कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम होती है, मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती है। सो एक फ्रेंड बोलेगी मुझे तो ऐसे होते हैं, दूसरी बोलेगी मुझे कितना दर्द होता है, है ना। सो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एज के टाइम पर चेंजेस आते हैं, पीरियड्स से रिलेटेड, मैं दीपिका शर्मा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार से। आज यहाँ पर इसकी ग्रीन पेंसिल एनजीओ की स्टेट हेड कल्पना मैडम ने विजिट किया और उन्होंने छात्राओं को, खासकर छोटी बच्चियों को जो 6th, 7th, 8th में पढ़ती हैं, उनको पीरियड्स से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने। उनको कि बताया कि पीरियड्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हाइजीन कैसा रहना चाहिए, बच्चों को साफ़ सफाई पूरी तरह से रखनी चाहिए और उनकी डाइट क्या रहनी चाहिए पीरियड्स के दौरान, इसकी बहुत अच्छी जानकारी दी। उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ। और उसके अलावा वैसे तो हम ये सारी अवेयरनेस अपने समय समय पर हमारे जो हेल्थ वाले हैं या हमारे जो वोकेशनल में हेल्थ है हम लोग ज़्यादातर देते रहते हैं, लेकिन आज उनका विजिट इसके लिए हमें बहुत काम आएगा बच्चों के, और बहुत अच्छा रहा। और क्या कहते हैं, थैंक यू, कर देना।